दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे T20 मैच में जीत की मुकाम पर थी भारतीय टीम, तो बारिश ने डाली खलल, जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश से रद्द होने की कगार पर था ये मैच। लेकिन दोनों कप्तानों की रजामंदी से खेला गया एक खतरनाक सुपर ओवर, जिसमें हार्दिक के साथ मिल सूर्या ने चौके छक्कों की बरसात कर भारत को दिलाई रोमांचक जीत। तो आखिर कैसे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर रचा न्यूजीलैंड की धरती पर इतिहास, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक और रोहित में से किसे होना चाहिए था भारत का कप्तान, नीचे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि न्यूजीलैंड की टीम ने काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 160 रन ही बनाए, जहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत एलन और कॉनवे ने की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार शुरुआत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी के इरादे से आए अर्शदीप सिंह ने 4 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाने के बाद एलन को LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियमसन की गैर मौजूदगी में चैपमैन आए। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर थोड़ी देर तक पारी को संभाल लिया, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने भी तहलका मचाकर बल्लेबाज मार्क चैपमैन को 12 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फिलिप्स मैदान पर आए। तो वहीं अब इन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर 86 रनों की साझेदारी कर डाली। दोनों बल्लेबाजों ने आमने सामने छक्के और चौकों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के प्रत्येक गेंदबाज को डरा दिया, जिसमें 14वें ओवर में कॉनवे ने 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो दूसरी तरफ से फिलिप्स ने अगले ही ओवर में 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अभी तक 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बना दिए। लेकिन अब अंतिम 5 ओवर में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का पतन प्रारंभ हो गया, जहां पर फिलिप्स को मोहम्मद सिराज ने सेट होने के बाद 35 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन बनाने के बाद भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। तो दूसरी तरफ से अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने दूसरे सेट बल्लेबाज कॉनवे को 49 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन बनाने के बाद ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं अब 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूती दिलाई, जहां पर मोहम्मद सिराज ने शून्य के स्कोर पर जिमी नीशम कैच आउट कराया। तो वहीं इसी ओवर में सैंटनर को 1 रन के स्कोर पर चहल ने कैच आउट करा दिया, और वहीं इसी ओवर में सैंटनर को 1 रन के स्कोर पर चहल के हाथों कैच आउट कराया गया। इसी के साथ ही मोहम्मद सिराज ने अपने T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लेकिन अब 19वां ओवर भारत के लिए पहली बार सफल हुआ, जहां पर अर्शदीप सिंह ने सबसे खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए, और जहां पर उन्होंने मिशेल को 5 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए सोढ़ी को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं अर्शदीप सिंह जहां पर हैट्रिक पर आ गए थे, लेकिन इसी बीच एडम मिल ने बिना खाता खोले रन आउट हो गए और बस अभी अंतिम विकेट आना बाकी था। ऐसे में कप्तान टिम साउदी 5 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद हर्षल पटेल के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए, और इसी के साथ ही 19.4 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 160 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने 4-4 विकेट हासिल किए तो हर्षल पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। लेकिन अब 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर आ गई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और उप कप्तान ऋषभ पंत मौजूद थे, तो दूसरी तरफ से साउदी ने गेंदबाजी की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 1 भी रन नहीं दिया, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन के द्वारा छक्का खाकर पहले ओवर में 6 रन लुटा दिए। तो वहीं दूसरे ओवर काफी ज्यादा ड्रामे से भरपूर रहा, जहां पर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एडम गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर ऋषभ पंत के सामने 3 रन दे दिए। हालांकि ये गेंद चौका था, परंतु खराब एम्पायरिंग के चलते इसे 3 रन में तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस ओवर में ईशान किशन चोटिल भी हो गए, हालांकि उनकी चोट गंभीर नहीं थी, जिसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन 11 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का की मदद से 10 रन बनाने के बाद चैपमैन के हाथों कैच आउट हो गए, और अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जब सूर्य कुमार यादव आए, तो वहीं कप्तान साउदी ने तीसरे ओवर में मुकाबले में जोरदार करवट दिलवाई, और जहां ओवर में ऋषभ पंत ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए, लेकिन इसके बाद साउदी ने ऋषभ पंत को सोढ़ी के हाथों 5 गेंदों पर
दो चौकों की मदद से 11 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया और वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर को गोल्डन डक के रूप में जिमी नीशम के हाथों कैच आउट करा दिया और अब गिरती हुई पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने कंधों पर उठाई। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये थी कि कप्तान हार्दिक का बल्ला तबाही मचा रहा था, जिनके साथ दीपक हुड्डा भी दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने महज 9 ओवर में ही खौफनाक बल्लेबाजी से 74 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी बारिश ने दस्तक दे दी और इस मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बारिश की वजह से मैच तो रुका लेकिन तूफानी बरसात की वजह से यह मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया, जिस कारण से अब मैच रेफरी ने इसे रद्द करने के लिए कहा। उस पर दोनों कप्तान भड़क गए और हजारों दर्शक मैच का रिजल्ट देखने के लिए बेताब थे। ऐसे में उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन दोनों कप्तानों की रजामंदी से एक एक ओवर का मैच खेलने का फैसला किया गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स के साथ डेवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान पर उतरी और जिनके सामने थे आज के सबसे बेहतरीन तबाही मचाने वाले अर्शदीप सिंह। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज का भी खुद पर भरोसा सातवें आसमान पर था, लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि अर्शदीप सिंह के लिए इतना बेहतरीन दिन एक बुरा सपना बन जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप्स ने उनकी दो गेंदों पर दो तूफानी छक्के लगाकर इस गेंदबाज की दिशा खराब कर दी थी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और इसी के साथ कप्तान हार्दिक के चेहरे तो हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों इसके बाद भी न्यूजीलैंड के लिए खूंखार बल्लेबाज ये थमे नहीं और दूसरे ओर से कॉनवे ने भी अर्शदीप को दो गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर इस सुपर ओवर में 23 रन बना लिए। भारतीय टीम को 24 रनों का विशालकाय लक्ष्य मिला। दोस्तों 24 रन वो भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने उसने आसान नहीं होने वाला था और कुछ ऐसा ही भरोसा न्यूजीलैंड को खुद पर भी था। न्यूजीलैंड के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली खुद कप्तान टिम साउदी ने और जिनके सामने बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या के साथ सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों पहली ही गेंद पर साउदी ने सूर्य को छकाकर डॉट बॉल निकाल दी और इसी के साथ ही दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि 5 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों सूर्य अभी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे और उन्होंने अगली 2 गेंदों पर साबित कर दिया और उन्होंने साउदी को आड़े हाथों लेते हुए पहली उनकी फुल लेंथ पर कवर के ऊपर से दर्शनीय छक्का लगाया, फिर उनकी शॉर्ट बॉल पर पॉइंट के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर दर्शकों में जान फूंक दी और अचानक से पूरा मैच पलट गया और 3 गेंद पर 12 रनों की दरकार थी। लेकिन ओवर की 4th गेंद पर सूर्य केवल 1 रन बना पाते। दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ गए थे हार्दिक पांडे। अब सभी को वो लम्हा याद आया जब रोहित ने साउदी के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। कुछ ऐसा ही पांड्या भी करना चाहते थे। दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे और पांड्या क्या करने वाले हैं, लेकिन पांड्या तो सर पर कफन बांध कर आए थे, जिन्होंने साउदी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी फुल टॉस गेंद को मैदान से बाहर मारकर भारत की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन तभी अंतिम गेंद पर चाहिए थे 5 रन, लेकिन हार्दिक के सामने साउदी टिक नहीं पाए और आपको बता दें कि उनकी लहराती हुई गेंद यॉर्कर को हार्दिक ने छक्के के लिए मारकर धोनी के अंदाज में न्यूजीलैंड की धरती पर इतिहास रच दिया और न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इंडिया ये मैच जीत गई। लेकिन दोस्तों हार्दिक ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली और आपको क्या लगता है कि उन्हें T20 का परमानेंट कप्तान बना देना चाहिए या फिर नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।